आपस में वक्त गुजारने के लिए मक्का पर गौर करते हैं और वो ये बात करते हैं, वो अभी से इस पर रहने के मंसूबे बना रहे हैं कि वो जब जमीन फरदौस करेंगे वो क्या करेंगे और इससे हम कैसे अपने यकीन को और पुख्ता बना सकते हैं। इस खेल में तो बड़ा मजा है, अब हम क्या करेंगे? चलो हम बादशाह से मिलने के लिए कुछ बर्तनों के बारे में बातचीत करते हैं। मुझे याद है कि मैंने किसी माँ में सीखा था कि जब भी हमारे पास कोई फारिग वक्त हो तो मैं उस वक्त में नवाबदा के बादशाह के बारे में कुछ बातचीत करनी चाहिए। ठीक है जैसे, लेकिन हम यहाँ पर फायदे तो मुताला करते हैं थोड़ियाँ हैं, यह तुम्हारी तफी और मोट मस्ती का वक्त है। हाँ मगर एक बर्तुजों के बारे में बात करने में बड़ा मजा आएगा। मैंने पिछले दिन पहले भी एक गेम खेला था और सच कहता हूँ मुझे तो उसका बहुत मजा आया। हाँ हाँ पहले तो मुझे लगा था इस खेल में बहुत बोर होंगे, लेकिन जब तुमने इसे खेलना शुरू किया तो इसमें तो बहुत मजा आया। हाँ ये खेल तो बड़ा दिलचस्प है, मेरा भी ये खेल याद है, लेकिन हम इस खेल को कैसे खेलेंगे? क्या हमें बादशाह के बारे में कुछ बताना पड़ेगा? सीधी सी बात है, तुम बस ये कहो कि जब बादशाह ने दुनिया आ जाएगी तुम उसको क्या करना चाहोगे, तो मुर्दों के जिंदा होने या बीमारियों के खत्म होने के बारे में बिल्कुल मत बताना। तुम बस ये कहोगे तुम उसमें क्या करना चाहोगे। ठीक है समझ गया, लेकिन तुम ये गेम खेलना चाहते हो इसलिए शुरू भी तुम ही करोगे। ठीक है लेकिन मेरे बाद ओमान और फिर मैदान तुम्हारी बारी। अच्छा जब फिर दोस्त बन जाएगी तो समुद्र में किनारे अपना घर बनाना। मुझे पता था तुम यही कहोगे। अरे मुझे भी बात तो पूरी कर रहा था। अच्छा तो जब फिर दोस्त बन जाएगी तो समुद्र में किनारे अपना घर बनाना। मैं हर शाम को समुद्र की सैर के लिए निकलता हूँ, वहीं पर अपनी जनाब के पुरुष पर बैठकर सूरज डूब होने का नजारा देखता हूँ और इस खूबसूरत मंजर के लिए मैं यहाँ खुदा का शुक्र अदा करूंगा। जबरदस्त है। अच्छा ओमान तुम क्या करोगे? तुम्हारी बारी है। फिर दोस्त के भाव नहीं खा कर बनाऊंगा। तुम्हें ये किसने कहा कि हम जहाँ चाहेंगे वहाँ घर बनाएंगे? मैंने तो सुना है कि दोस्तों में बताया जाएगा कि इसको कहाँ घर बनाना है। शायद ऐसा ही हो, लेकिन किनारे पर घर के पीछे एक बाग हो, बाग के पीछे एक वादी हो जहाँ से मैं सूरज निकलने का साफ मंजर देख सकूं। मेरे घर के पीछे बड़ी बड़ी खिड़कियां होंगी जिन्हें मैं रात का वक्त खुला रखूंगा और हर सुबह सूरज की किरणें और परिंदों की सुरीली आवाजें मुझे जगाएंगे। फिर मैं हाथ में ताजा जूसा ग्लास लिए हुए बाहर में जाऊंगा, जूस पिए लेके पीऊंगा और सूरज तरुण होने को मंजर को देखूंगा। अरे वाह भाई, अच्छा तो मैं भी तुम क्या करोगे बादशाह? मैं तुम बताओ। खैर मैं क्या बताऊँ, मुझे नहीं पता कि मेरा घर कहाँ पे होगा। मुझे तो वैसे भी शहर और घूमने फिरने का शौक है, मैं तो बस एक लंबी सी सैर पर निकल जाऊंगा 25 सालों में। 25 साल के लिए? ये तो बहुत लंबा समय है। हाँ जितना कुछ मैं देखना चाहता हूँ उसमें वक्त तो लगेगा। अगर योगा पता ने मुझे ऐसे करने दिया तो मैं कोई जरूरी चीजें अपने बैग में डालकर तो सैर जाऊंगा और जहां जहां से गुजरूंगा योगा खुदा की बनाई हुई चीजों को देखता जाऊंगा और जब रात हो जाएगी तो बगैर खतरे और डर के सो जाऊंगा और सुबह उठकर फिर सैर पर निकल जाऊंगा। दुनिया में भी इतनी ऐसी जगह है जिन्हें मैं देखना चाहता हूँ। मैं अफ्रीका के बड़े बड़े जंगल और आबशारे देखना चाहता हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े सहरा देखना चाहता हूँ और मैंने भी ये भी सुन रखा है कि अमेरिका में एक ऐसी खूबसूरत जटाड़ों की बात है, मैं उन्हें भी देखना चाहता हूँ। ठीक है मगर तुम इन जगहों तक पैदल कैसे पहुंचोगे? ये तो एक दूसरे से बहुत दूर है और उनके भी तो सुंदर नहीं है। इसीलिए तो मुझे 25 सालों में सोच जाएंगे। शायद मुझे तो भी मैं पूछता हूँ। दरअसल मैं अपने दोस्त में एक खास किस्म का बाग बनाऊंगा। ऐसी क्या खास बात होगी इसमें? उसमें दुनिया भर के पौधे होंगे, हर पौधे के नीचे उसका नाम लिखा होगा, इसमें हरी भरी और सूरत दरख्त होंगे। दरअसल कुछ अर्सा पहले मैंने घर वालों के साथ ऐसे ही बाग में किया था, तब से मेरी ख्वाहिश हो गई कि मैं एक ऐसा ही बाग बनाऊं। मैंने इसका डिजाइन भी तैयार कर लिया था। तुम देखना चाहोगे फिर तुम्हारे फोन में इसकी तस्वीरें हैं। हाँ मैं काफी अर्से से इसका डिजाइन तैयार कर रहा था।
देखो आप कमाल के हैं। अगर ये औरत ने इजाजत दी तो मैं तो ये बॉक्स सिलाई करके लगाऊंगा। मैं तो अपने दोस्त के पास ये करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा कर। अरे उसके डिजाइन मुझे भी तो दिखाओ। तो देखो मुझे इसका डिजाइन तो बहुत कमाल के जबरदस्त। अच्छा तो जो है तुम क्या करना चाहते हो दोस्त? अब तुम्हारी बात आ गया, मैं क्या करूँ? मैं तो यही चाहता हूँ दोस्त हम सब इकट्ठे बैठ कर खुशी हासिल करें और जो होते बनाई चीज उनसे खुशी और संतोष हो और इसी तरह से इकट्ठे बैठ कर आप उसको बातचीत किया।